हम सब भी ठीक है, खुदा का शुक्र है। सो गाइस, इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं नहा धोकर फ्रेश होकर आ गई हूँ। और जैसे मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि आज हम लोगों ने एक शादी में जाना है और मामा लोग भी आ रहे हैं हैदराबाद से, लेकिन वो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आएंगे, वो डायरेक्ट हॉल में आएंगे और हॉल के बाद वो रात को मेरे घर पे आ जाएंगे। तो उनके आने से पहले मैं घर जो है वो नीट एंड क्लीन कर रही थी, हालत थोड़ी सुधार रही थी ताकि जब वो लोग आए तो मेरा घर थोड़ा नीट हो। ये कल रात को हमने कपड़े धोए थे, तो अभी इन कपड़ों को फोल्ड करना है, कबर्ड में रखना है, उसके बाद मुझे किचन में जाना है, कढ़ाई बनानी है। रात को तो सब खा पी के आएंगे, लेकिन कढ़ाई जो है वो सुबह नाश्ते में काम आ जाएगी। जब मामा लोग लास्ट टाइम आए थे तो हमने उनको हलवा पूड़ी का जबरदस्त नाश्ता करवाया था, तो अभी मैं सोच रही हूँ कढ़ाई बना लेती हूँ, सुबह नाश्ते में काम आ जाएगी। और नाश्ते का सामान जो होता है एक्स्ट्रा वो तो होगा ही, अंडे ब्रेड वगैरह वो सब तो होगा। तो अभी बहुत सारा काम है, मुझे नेल पॉलिश भी लगानी है, केल्विन गए हुए हैं बाहर, उनके आने से पहले पहले मुझे सारे काम कंप्लीट करके रखने हैं ताकि वो आए तो बस हम रेडी हों, शादी में चले जाएं। तो आज मैं पहन रही हूँ साड़ी, लेट्स सी कि मैं कैसी लगती हूँ साड़ी में। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया साड़ी में, टेलर ने जब साड़ी भेजी तो उसमें हुक नहीं था, टेलर हुक लगाना भूल गया, तो इसलिए साड़ी मैंने वापस भिजवाई है टेलर के पास, वो हुक लगाएगा। तो केल्विन जब आएंगे तो वापसी में मेरी साड़ी भी लेते आएंगे, तब मैं आपको अपनी साड़ी दिखाऊंगी, केल्विन क्या पहन रहे हैं वो दिखाऊंगी, पहले मैं कपड़े फोल्ड करूं, खाना बनाऊं। तो आज व्लॉग में बहुत मजा आने वाला है, मामा लोग फिर से आ रहे हैं, आई एम हैप्पी एक्साइटेड। तो चले यहाँ से जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने ये चिकन मैरिनेट करके रख दिया है, मैं बना रही हूँ कढ़ाई और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ अदरक लहसुन में। यहाँ पे मैंने टमाटो प्यूरी भी बना ली है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर कर दूँगी 5 मिनट्स के लिए, 5 to 6 मिनट्स के लिए, उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ प्यूरी। सो गाइस, स्वेटिंग देखें कितनी सी देर में कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है। एक्चुअली हमारे किचन में कोई ऐसी विंडो वगैरह नहीं है जहाँ से वेंटिलेशन हो, बस एक ये छोटी सी विंडो है ऊपर, उस पर नेट लगा हुआ है, वहीं से धुआं वगैरह जाता है। बाकी ऐसी कोई पूरे घर में विंडो खिड़की वगैरह कुछ भी नहीं है जहाँ से वेंटिलेशन हो, तो इसलिए किचन में जब हम स्टोव ऑन करते हैं तो बहुत गर्मी हो जाती है, धुआं हो जाता है, जिसकी वजह से इतनी स्वेटिंग होती है। सो गाइस, 4 to 5 मिनट्स हो गए हैं और चिकन भी जो है वो गल गया है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटो प्यूरी, एक हाथ में कैमरा है तो मैं एक हाथ से नहीं डाल सकती, तो मैं कैमरा ऑफ करूँ उसके बाद ये प्यूरी जो है मैं इसमें डालती हूँ। ये चले कोशिश करती हूँ, एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा है और एक हाथ से मैं ये देखा जी कैसा। चलें जी, इसको करते हैं मिक्स। ये है शान का कढ़ाई मसाला, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसको थोड़ी देर भूनूंगी और हमारी कढ़ाई रेडी है। लेमन नहीं है मेरे पास, वरना मेरा खाना तो लेमन के बगैर इनकम्प्लीट होता है, लेकिन अभी केल्विन भी नहीं है, मैं किससे मंगवाऊँ, तो जब आएंगे तो ऊपर से मैं थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर दूँगी। गाइस, मैं इसमें 1/2 कप तकरीबन दही भी ऐड कर रही हूँ, एक तो दही से थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा हो जाएगी और थोड़ी खटास और आ जाएगी। वैसे मैं मोस्टली दही ऐड करती नहीं हूँ, टमाटरों में ही बनाती हूँ, लेकिन मैं ये फर्स्ट टाइम जो है इसमें दही ऐड कर रही हूँ। सब लोग अपने अपने स्टाइल से ही बनाते हैं कढ़ाई, बस थोड़ी देर और भूनती हूँ, ढक के रखती हूँ, 5 to 10 मिनट्स में कढ़ाई रेडी हो जाएगी और उसके बाद फिर मैं फाइनल लुक इसका आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए गाइस, मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी हो गई है। सो बस अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और अब अपना बाकी का काम करती हूँ। जी गाइस, सो मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने जल्दी जल्दी से खाना बनाया, उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था तो मैं जल्दी जल्दी से रेडी होने लग गई। और बस मेरे हाथ में नेल पॉलिश है, मैंने नेल पॉलिश भी अभी तक नहीं लगाई है, और पीछे केल्विन भी रेडी हो गए, हेलो। इन्होंने अपना वेडिंग सूट पहना और ये भी स्मार्ट लग रहे हैं। बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया है, और इयररिंग्स और नेकलेस मैंने नहीं पहना है, वो मैं गाड़ी में बैठ के पहनूंगी, अभी नहीं पहनूंगी। तो चलते हैं। बस पहुंच गए हैं हम लोग, तो मैं ऐसे ही क्लिप्स बनाऊंगी, ये देखें। मामा, जैनी और भाभी, हमें लगा हम काफ़ी लेट हो गए, लेकिन जब हम पहुंचे तो इतने लोग थे नहीं, हम लोग टाइम से पहुंच गए थे। और यहाँ भाभी मुझे कह रही थी मैं साड़ी में काफ़ी अच्छी लग रही हूँ।
सो यहाँ पे केक कटिंग हो रही है, ब्राइड एंड ग्रूम जो है वो केक कट कर रहे हैं, तो बस हम लोग सब उन्हीं को देख रहे थे। बहुत ज़्यादा जूनियर थी मेरे स्कूल में जब मैंने मैट्रिक पास किया था, तो ये थर्ड स्टैंडर्ड में थी, वो रही जैनी। जैनी तो ये खास अभी मुझसे मिलने आई है गाइस इनका। हाँ, जैनी को भूख लग रही है, वो खाना भी लग गया, बस अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। और इनका भी चैनल है, इनके चैनल का नाम है, क्या नाम है? किजिया फैमिली ब्लॉग। किजिया फैमिली ब्लॉग, बहुत अच्छे ब्लॉग्स होते हैं और डेली रूटीन के ये ब्लॉग्स बनाती हैं, तो आप इनके चैनल पर ज़रूर जाइएगा, आपको मज़ा आएगा। मैं भी देखती हूँ, आप भी देखना, ठीक है? अपना रखना बहुत सारा ख्याल, बाय। सो गाइस, खाना वगैरह लग गया है और बहुत भूख लग रही है, और जैनी ने तो ले भी लिया। जैनी ने क्या लिया है और मामा ने क्या लिया है? जैनी ने लिया है, व्हाट इज दिस जैनी? आई गेस दिस इज सम मलाई हांडी टाइप चिकन। और मामा ने नान लिए। वाओ, इतना सारा खाना कैसे खाओगी मामा? थोड़ा कम करो, बहुत ज़्यादा लिया है आपने। मैं क्या लूँ? प्लेट्स कहाँ से लिए मामा? कहाँ? उधर? अच्छा, नहीं मैं लेके आती हूँ, आप जाओ। कुछ चाहिए आपको और? नहीं, ओके। कैसा है खाना? कैसा है? कैसा है? Ba-ba-da-b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 a-
गाइस ये मेरा कजन है, मेरी आंटी का बेटा और ये बहुत छोटा है। क्या एज है अभी? 14 इयर्स का है और इसकी हाइट देखें, केल्विन से भी ज्यादा टॉल है। ये देखें। सो गाइस शादी हो गई है खत्म और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। उसको उसका क्या कसूर था? बस अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, गाड़ी आ गई हमारी। और ये रहा जैकू, मेरे साथ मेरी कजिन भी आ रही है। जैनी जा रही है अपनी मामा के घर पे और मेरी मामा जा रही है मेरी आंटी के घर पे। और ये देखें इनका पेट देखें कितना खाया है। मामा जा रही है मेरी आंटी के घर पे लड़की की रुख्सती के लिए। तो ओके मामा, बाय बाय। मामा सुबह फिर वहीं से हैदराबाद चली जाओगी? घर नहीं आओगी आप? घर आओगी? अच्छा चलो सही है। चले हम घर चलते हैं, बहुत ज्यादा थका है। और ये सारी पब्लिक जा रही है मेरे साथ मेरे घर। और केल्विन की शक्ल देखें, बहुत ज्यादा थक गए और कब से कह रहे हैं चलो चलो चलें चलें चलो चलो आ जाओ, बस चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ लिशवा। केल्विन बहुत थक गए गाइस। जैनी जा रही है अपनी मामा के घर पे, मैं तो मिली नहीं जैनी से, जैनी और भाभी से मिल लेती हूँ। चलें जी हम लोग आ गए हैं घर पे। अकेले गए थे, मेहमान लेके आए। गाइस आज जो है ना मेरी साली आ रही है घर पे। साली आप मेरे सामने आए। ये मेरी कजन है, सक्खर से आई है। तो जब से आई है ना, बस ये मेरे ननियाल में मेरी एक ही कजन है, तो जब से आई है ना तो बस ये यही बोल रहे हैं मेरी एक ही साली है, एक ही साली है। तो लेकर आई गए। और वो पीछे मेरी भाभी। ननियाल में भी एक ही भाभी ना? नहीं नहीं, भाभियां बहुत है, साली एक है। साली एक है। साली को अंदर भी ले चले, दरवाजे पे ही खड़ा किया हुआ है साली को। चलो जी वेलकम वेलकम। हाँ तेल तो डालो जी। गाइस तो कपड़े चेंज कर लिए, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। और लॉयड भी आ गया, केल्विन अभी गेट खोलने गए। और इस वक्त रात के 3 बजे हैं और मेरे साथ मेरे कजन्स आए हैं। मामा चली गई हैं आंटी के घर पे रुखसती करवाने, जैनी गई है अपने घर पे, और मेरे साथ है लॉयड और मेरी कज़न आई है। मेरा कज़न है, उसकी वाइफ है। तो सारे बच्चे जो हैं वो मेरे घर पे आ गए। मैं अपनी भाभी से आपको मिलवाती हूँ, मेरी शादी पे देखा होगा आपने उनको। तो बस अभी जो है रात के 3 बज रहे हैं, तो मैं केल्विन को कह रही थी कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल कर रहा है। तो देखते हैं अगर नीचे कोई शॉप वगैरह खुली होगी तो केल्विन जाके कोल्ड ड्रिंक चिप्स लेकर आएंगे, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। यस शादी न करना यारो, तुमको बता रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ, बच्चे हैं जो टुकड़े उनसे नहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। वो सुबह के 9 बजे है, मेरी बीवी सो रही है, बर्तन में धो रहा था, मेरी बच्ची रो रही है। ओ ला ला ला। वेरी वेरी बैड सॉन्ग। हाँ बस यही रख दो। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग। सो रात को हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और सुबह 5:30 बजे हम लोग सोए हैं, है ना? नहीं 6 बजे। 6 बजे मैं और गुड़िया 6 बजे सोए थे, ये सो गई थी 5:30 बजे। 5:30 बजे तक ये सो गई थी, मैं और गुड़िया 6 बजे सोए हैं। तो हम लोग सब 5 बजे तक उठे हुए थे। रोनी ने कल बहुत गाने गाए हैं, केल्विन ने उससे बहुत बेचारे से जो है ना गाने गवाए अपने घर बुला के। और मैंने इसको बोला मुझे दबा, इसने मुझे दबाया है। हमने मेहमानों को बुला तो लिया पर खिदमतें बहुत करवाई। तो मजा आया, बहुत इंजॉय किया, बहुत ज्यादा। हाँ शादी भी अच्छी रह गई, बहुत मजा आया। उधर भी हमने खूब डांस वांस किया, फिर घर आके हमने खूब इंजॉय किया, हंसी मजाक ये वो। 4 बजे सुबह के तो बेचारा केल्विन और इसका जो हस्बैंड है रॉनी कोल्ड ड्रिंक लेने गए। तो बहुत हमने इंजॉय किया। तो बस अभी जो है ये लोग जा रहे हैं
अपने घर, ये जाएंगी लाहौर, ये जाएंगी सखर, फिलहाल मेरे घर से जा रहे हैं, पर ये लोग कल चले जाएंगे या परसों? हाँ, कल चले, कल ये लोग सब चले जाएंगे और बस फिर वही रूटीन। तो अभी ये लोग कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए जा रहे हैं। तो गाइज, मैं इस व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आप लोगों ने मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग एंजॉय किया होगा। सो अगर आपने एंजॉय किया है देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट बिलो, हिट द बेल आइकन बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक न्यू वीडियो में, एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। बाय बाय। अभी बना रही हूँ। So guys, मामा भी आ गई थी तो अभी जो है मामा भी जा रही हैं, बस मोबाइल में स्पेस ही नहीं थी इसलिए मैंने बनाया ही नहीं। चलो ओके बाय। ये नीचे लॉयड जा रहा है।